मोदी सरकार ने कल सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का फैसला किया, जिसको लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने प्रेस वार्ता में इस पर टिप्पणी देते हुए कहा, मुझे तो ज्यादा टाइमिंग पर ही दिक्कत है। बिल पर दिक्कत हो ना हो वो तो पार्लियामेंट में फैसला होगा, और अगर अदालत तक ये मामला गया तो फिर अदालत में ये डिसाइड होगा। मुझे तो टाइमिंग पे ये मेरे तो सवाल टाइमिंग से लेके हैं। अगर आपको लगता है कि इस रिजर्वेशन की ज़रूरत है तो ये अचानक तो ये ज़रूरत आई नहीं ना, ये तो एक पुरानी बात रही है। तो जब आपके पास 4.5 साल से अपनी मेजॉरिटी रही है पार्लियामेंट में, 4.5 साल तक आपको ये इस बिल की ज़रूरत जो है वो नज़र नहीं आई, आप अचानक ये इसको आप आखिरी पूरा सेशन मानिए इस पार्लियामेंट का, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा, तो इस पार्लियामेंट के आखिरी सेशन के आखिरी दिन पे आप ऐसा बिल लाते हो जिसके तहत आप ये नया एक कैटेगरी तैयार करते हो रिजर्वेशन का। मुझे तो लगता है ये तो सिर्फ सीधा सीधा जो है ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और ये लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो पिछले 3 रियासतों में खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो हाल हुआ ये उसका नतीजा है। चलना है अगर वक्त से आगे।